मोदी का जादू खत्म हो गया है। मोदी चुनाव हार गए होते, अगर योगी आदित्यनाथ ने ना संभाल लिया होता तो मोदी जीत नहीं सकते थे, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने जाके अंतिम समय में खूंटा गाड़ दिया और अंत में मोदी को उन्होंने जीत दिला दी। ये बात मैं नहीं कह रहा, बल्कि बात कही है मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी ने। अफजाल अंसारी ने लोगों से और पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि मोदी का जादू खत्म हो चुका है, मोदी अपनी सीट ना बचा पाते अगर योगी आदित्यनाथ ना होते। अगर योगी आदित्यनाथ ने अंतिम समय में जाकर वहां मोर्चा ना संभाला होता तो मोदी को जीतना असंभव हो जाता, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने ही जाकर अंतिम समय में वहां पर खूंटा गाड़ दिया था और वहां उन्होंने मोर्चा संभाल के मोदी को जीतने में मदद की। अफजाल अंसारी ने इसके पीछे तर्क भी दिया है। अफजाल अंसारी कहना है कि मोदी जी बनारस से चुनाव लड़े थे और बनारस के आसपास जो सीटें हैं उसमें से एक भी सीट ये बचा नहीं पाए। जब आसपास की सीटें नहीं बची तो फिर कैसे संभव था कि बनारस की सीट भी बच पाती। उन्होंने कहा कि मोदी का कोई प्रभाव नहीं है और इसीलिए ऐसा होता हुआ दिखाई दिया। वो तो योगी आदित्यनाथ थे जिन्होंने जाकर अंतिम समय में लगातार अपने प्रयास किए और उसका परिणाम ये हुआ कि नरेंद्र मोदी को योगी आदित्यनाथ ने हारने से बचा लिया। आइए आपको सुनाते हैं मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी का वो बयान जिसमें वो बार बार इस बात को कहते हुए दिख रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ ने मोदी को हारने से बचा लिया। वो ये भी कह रहे हैं कि मोदी का जादू खत्म हो चुका है, अगर योगी आदित्यनाथ ना होते तो मोदी को सीट बचाना भी मुश्किल हो जाता। देखिए, अरे भैया संभाल दिया योगी आदित्यनाथ ने, मोदी का जादू खत्म हो चुका है। आप बताओ मोदी जहां से चुनाव लड़े, बगल में चंदौली नहीं बचा, गाजीपुर नहीं बचा, मछली शहर नहीं बचा, तीन तरफ से बनारस घिरा हुआ है, तीनों सीट हार गए। और मीडिया हमारा कहता था कि मोदी जब लड़ते हैं तो उनकी हवा जो है पूरे पूर्वांचल में और उसके बाद बिहार में और बंगाल तक चली जाती है, लेकिन वो तो अंतिम चरण में योगी आदित्यनाथ ने बनारस में आकर के एकदम खूंटा गाड़ करके इस बात का प्रयास कर दिया और अपने लोगों को तेज किया कि किसी भी सूरत से मोदी जी को जिता देना है। और नहीं, यकीन मानिए मोदी जी भी चुनाव हार गए होते अगर इतना मजबूती से योगी आदित्यनाथ लग रहे। सर, आपका कहना है कि यूपी में मोदी की हार हुई है लेकिन योगी सफल में? हमारा ये मानना है कि 33 सीट जो मिली है उसमें 30 सीट योगी आदित्यनाथ के प्रयासों, मेहनत और उनके चेहरे पर 30 सीट लौट के आ गई। 3 सीट होगी जो भारतीय जनता पार्टी, उनका समीकरण या मोदी जी के चेहरे पर आई होगी।